दिलीप शाह, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन। हम लोग AIBOC से एफिलिएटेड है और AIBOC सभी बैंकों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आज मेंबरशिप करीब 3.25 लाख है। तो हमें अभी पिछले दिनों में कई सारे इश्यूज़ पे हमने लड़ा है। आज यहाँ मोहाली में जो है मीटिंग, ये मोहाली हमारा एक सर्कल है, उसके कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम जो बैंक के बारे में, हमारे बैंक के बारे में जो कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज खड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट का नियत दिखाई दे रही है, उसके ऊपर हमने आईबॉक में काफ़ी लड़ाई की है, अभी भी जारी है। ट्विटर कैंपेन है, फेसबुक कैंपेन है, हमने देश बचाओ आंदोलन किया कि बैंक बचाओ देश बचाओ। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रवैया चल रहा है कि ये एक के बाद एक प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, अपने आपको पता है कि भारत पेट्रोलियम इतने बड़े अच्छा संस्था था, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। IDBI बैंक को भी बैकडोर से प्राइवेटाइज कर दिया। HPCL का भी आज जो है परिस्थिति कि उसका शेयर्स, गवर्नमेंट शेयर्स उन्होंने ONGC को बेच दिया। तो ये एक तरीका चल रहा है देश में कि जो भी कोई संस्था गवर्नमेंट की बनी है या पब्लिक सेक्टर की बनी है, उसको कैसे प्राइवेटाइज करें। और आज अगर आपको मैं फिगर बताऊं कि गवर्नमेंट का हर प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर बैंक इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कोविड पीरियड में हज़ारों के संख्या से ऑफिसर्स के डेथ हुए हैं कोविड के सर्विस देते हुए, लेकिन इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। अगर आज 48 करोड़ जनधन खाता खुला है तो 97.1% खाता ओनली हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने खुली है और RRB ने खुली है। प्राइवेट सेक्टर्स लेस देन 4% खाता खुली है। गवर्नमेंट का हर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हुए, जितने सारे कम से कम 1 डज़न प्रोग्राम से ज़्यादा है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कहीं ना कहीं हम कमर्शियल जो हमारे प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो हम जो गेन देते हैं, जो प्रॉफिट देते हैं, उसमें एक सोशल प्रॉफिट भी गिनना चाहिए। और पब्लिक सेक्टर का जो पिछले 53 साल में जो काम किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है। ये बजट में डिक्लेयर कर चुका है, मैं 2 बैंक को प्राइवेटाइज करूंगा, 1 इंश्योरेंस कंपनी को करूंगा। तो पहली लड़ाई हमारा इसमें चल रहा है। इसके ऊपर आगे पूरे बैंकिंग सेक्टर में जितने यूनियन एसोसिएशन हैं सब मिलकर लड़ रहे हैं और ये हम लड़ाई जीत के दिखाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कारण क्या है इसके पीछे? ये प्राइवेटाइजेशन होती क्यों जा रही है, इसमें क्या आपको उनका बेनिफिट? आप देखिए, अभी अभी 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक हमारे कॉरपोरेट का सेक्टर का बॉस जो है वो वर्ल्ड का 3rd richest बन गया है। तो जो देश में 50% लोगों के पास खाने की नहीं है, वो देश में कोई वर्ल्ड का 1, 2, 3, 4 बने तो ये कोई बड़ा शाबाशी की बात नहीं है। और ये क्यों बन रहा है ये आपको पता है कि क्योंकि हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो आज के तारीख में पब्लिक सेक्टर का जो काम किया हुआ है देश, ये 75 साल में ऐसा ही नहीं बन गया है। अगर आप 50s की बात करें, 60s का बात करें, तो कोई कॉरपोरेट सेक्टर नहीं था। गवर्नमेंट को निवेश करना पड़ता था कि देश को ऊपर लाने के लिए, वेदर इट इज़ एलुमिनियम, वेदर इट इज़ स्टील, वेदर। और पब्लिक सेक्टर बैंक जब बनाया 1980 में, उसके पहले 440 प्राइवेट बैंक्स डूब चुका था। आज भी आप देखोगे पिछले 10 साल में, 12 साल में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूब गया। अभी आपको पता है 2 बैंक का हालत क्या चल रहा है प्राइवेट बैंक्स का, और ये सभी पब्लिक सेक्टर में मर्ज हुए हैं पहले। तो ये गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और हम जिससे एफिलिएट है IBOC, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ये दोनों apolitical पार्टी है। हमारे कोई पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन नहीं है। हम गवर्नमेंट की पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर बात नहीं करते हैं, इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर हमें बात करने की अधिकार है। और अगर देश का नागरिक को पसंद नहीं है, आज जो गरीब से गरीब आदमी जो फैसिलिटी मिल रहा है बैंकों से,
वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में घुस पाते नहीं हैं। और जो आपका रिक्रूटमेंट होगा प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आपका एससी एसटी ओबीसी ये सब रिक्रूटमेंट भी बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कर क्या रहा है कि देश में 10-15 लोगों को खाली बड़ा करने का कोशिश चला रहा है। तो इसके खिलाफ हमारा लड़ाई है। आपको एक फिगर बताऊं कि देश का जो नेशनल इनकम है 1% लोगों के पास 22% इनकम है, पहला 10% पॉपुलेशन के पास 57% नेशनल इनकम है और जो बॉटम 50% है उसके पास मात्र 13% नेशनल इनकम है। तो ये डिफरेंस ये गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण बढ़ते ही जा रहा है। तो इसमें हमें कोई ताली बजाने की शाबाशी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश से किसी ने वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट मैन बन गया है। मेरा ख्याल से ये शर्म की बात है। सो इसके सब विषय पे हम चर्चा भी करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे। गवर्नमेंट जब से आई है आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इतना डाउनफॉल आ रहा है, मतलब कि इकॉनमी में या इस तरीके से जो बैंकिंग परेशान? देखिए हर गवर्नमेंट मतलब देश का भला करना चाहता है ये हम मान के चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके एडवाइज़र्स होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में ख़ास तौर पर। उसमें दो तरीके का सोच है, एक तरीके का सोच जो कि सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ से ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। दूसरी है कि अगर आप थोड़े सेक्टर को लोगों को रिच बनाओगे तो वो कुछ ना कुछ खर्चा करेगा तो लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। आपका तो बैंकिंग में इतना एक्सपीरियंस है, बहुत सारी गवर्नमेंट आपने देखी होगी, मोदी गवर्नमेंट ने जब से आई है आपको क्या लगता है इसमें ज़्यादा क्राइसिस हुआ है बैंकिंग? ज़्यादा क्राइसिस हुए हैं क्योंकि ये बोलने में तो बोलते हैं हम इंटरफेयर करते नहीं है बैंक में, इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बैंक में आज गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, आपको मैंने एक खाली जनधन की फिगर बताई, अगर 97% हम लोग किया है उसके वो टाइम एनर्जी के टाइम पे हम दूसरा बिजनेस तो नहीं कर पाए हैं। तो अगर इसको आप मानते ही नहीं हो कि ये कोई देश का भला काम किया हुआ है तो फिर करते ही क्यों हो। थैंक यू सर। थैंक यू।